नमस्कार दोस्तों, कास्ट रिजर्वेशन सालों से चले आ रहा देश का वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज। क्या सरकार को कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन जब जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी सवाल को आंसर करने की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है मोहक के साथ कोलैबोरेशन में। मोहक अपने यूट्यूब चैनल सोच पर बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल वीडियोस बनाता है सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज पर। वैसे सच बताऊं दोस्तों, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डिटेल्ड है कि जब हम इसकी रिसर्च करने बैठे तो हमने डिसाइड किया कि एक 15 मिनट के वीडियो में इस टॉपिक को समराइज करना काफी नहीं होगा। हमने इस वीडियो को एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो वीडियोस होंगे। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम की क्या हिस्ट्री रही है, कास्ट रिजर्वेशंस की क्या हिस्ट्री रही है, क्यों हिस्टोरिकली हमारे लीडर्स को जरूरत पड़ी कास्ट रिजर्वेशन लाने की। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आज के दिन इंपैक्ट क्या हुआ है कास्ट रिजर्वेशन के आने के बाद, और फ्यूचर क्या होगा कास्ट रिजर्वेशन का, क्या इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट वन से। वैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे। तो आज के दिन क्या लगता है आपको, कास्ट के बेसिस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या आज के दिन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है? हम लोगों को जो शहरों में रहते हैं उन्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली बात है। अब आज के जमाने में कौन करता है ये सारी चीजें, हैरान हो जाएंगे आप जान के। ये मैप देखिए, ये मैप दिखाता है कि कितने परसेंटेज हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये रेशियो परसेंटेज 40-50% से भी ज्यादा है। अगर डेटा पर देखकर यकीन नहीं होता तो लोगों के मुंह से खुद सुन लीजिए। क्विंट ने एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, कि वहां पर अनटचेबिलिटी कितनी प्रैक्टिस करी जाती है। 2016 में SARI सोशल एटीट्यूड्स रिसर्च इंडिया ने एक फोन सर्वे कंडक्ट किया था दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लोगों से पूछने के लिए कि आप में से कितने लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं अपने घर में होते हो या खुद प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली में 39% नॉन दलित हिंदू औरतों ने माना कि उनके घरों में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। 21% नॉन दलित हिंदू औरतों ने माना कि वो खुद अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करती हैं। राजस्थान में 60% नॉन दलित मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को बैन कर देना चाहिए। सेम सर्वे से दिल्ली से करीब 43% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो रिजर्वेशंस को अपोज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि सीट्स को मेरिट के बेस पे दिया जाना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये रहता है लोगों का कि जो लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि आज के दिन भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए, ये अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा तो इक्वालिटी नहीं रहेगी सोसाइटी में। बात यह है दोस्तों, मोहक ने जिस कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया वो थियोरेटिकली तो बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इन प्रैक्टिस इतना नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये पूरा सिस्टम बदल गया और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो गया और भी ज्यादा रिजिड हो गया। पहले भी डिस्क्रिमिनेटरी था लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये और भी ज्यादा हो गया। और इसके पीछे रीजन बस सिंपल है कि ब्रिटिशर्स इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसे आसान बनाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के लिए पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो और सिंप्लीफाई करना चाहते थे इस सिस्टम को। हेनरी वाटरफील्ड, जो कि उस जमाने में एक एम्प्लॉय थे एट द स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एट द इंडिया ऑफिस, उन्होंने काफी डिटेल में लिखा था कि क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी थी जब वो कास्ट सिस्टम को क्लासिफाई करने चले। तो वैसे इन सारी चीजों के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप, उस जमाने के एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जो कि 1834 का सेंसस ले रहे थे, उन्होंने पाया कि बनारस के ब्राह्मण्स में भी 107 डिस्टिंक्ट अलग अलग कास्ट्स मौजूद थी। 1872 के सेंसस के लिए वाटरफील्ड ने पाया कि सबसे आसान तरीका इंडियंस को क्लासिफाई करने का रहेगा 4-वर्णा सिस्टम। ये 4 वर्णों का सिस्टम बड़ा पॉपुलर है आज के दिन, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। लेकिन WB Cornish जो कि रिस्पॉन्सिबल थे मद्रास प्रेसिडेंसी सेंसस के लिए 1871 में, उनका बड़ा फेमस कोट है, इट इज डाउटफुल दैट देयर वाज एनी पीरियड ड्यूरिंग विच हिंदूज वर कंपोज्ड ऑफ द 4 कास्ट ओनली। उनका मानना था कि हिस्टोरिकली कोई भी ऐसा पीरियड नहीं था कि हिंदूज को सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया जाता हो, इससे कहीं ज्यादा और डिविजन के तरीके थे। तो ये जो 4 वर्णों का सिस्टम है, ब्रिटिशर्स ने इसे पॉपुलर बनाया जिसमें ब्राह्मण्स को टॉप पर माना जाता है, क्लासिफाई किया गया है कि प्रिविलेज्ड क्लास है ब्राह्मण्स। किसकी मदद से किया ये ब्रिटिशर्स ने? ब्राह्मण्स की खुद की मदद से। वॉरन हेस्टिंग्स ने 1772 में इनिशिएटिव लिया हिंदू और मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने का, और इसके लिए उन्होंने हायर किया 11 ब्राह्मण पंडितों को
जिन्होंने सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और वैदिक लॉज को और वाइडली अप्लाई कर दिया। इसी चीज को अक्सर ब्राह्मणिज्म भी कहा जाता है, ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है, जो कि हिंदुओं पर फोर्स किया गया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जो वैदिक सिस्टम था जिसमें चार कास्ट हैं, ये इतना वाइडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, हर हिंदू इसे प्रैक्टिस नहीं करता था, इसे जबरदस्ती फोर्स किया गया। और इस तरह से ब्रिटिश राज ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिवाइड को और बढ़ा दिया। M.N. श्रीनिवास जो कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सोशल मोबिलिटी को और मुश्किल बना दिया। लोगों का जो मिलना जुलना होता था अलग अलग कास्ट के बीच में, अब वो और भी मुश्किल बन गया अंग्रेजों के आने के बाद। पहले ये पॉसिबल हो सकता था कि कोई नॉन ब्राह्मण कास्ट का इंसान पॉलिटिकल पावर गेन कर सके, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज और भी मुश्किल बन गई। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड हार्डिंगे जो कि इंडिया के वाइस रॉय थे 1910s में, इन्होंने डिसाइड किया कि सारी पब्लिक सर्विसेज को फिलअप किया जाएगा बाय एन ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम जो कि इंग्लिश में कराया जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्राह्मण्स को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ही एक प्रिविलेज्ड एक्सेस था ये लैंग्वेज सीखने का। इस रीजन से मद्रास में ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3% होती थी, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी वो 80% से भी ज्यादा थी। तो मैसूर की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पर तमिल ब्राह्मण्स ने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली क्रिएट कर ली सारी जॉब्स में। शाहूजी महाराज, ज्योतिराव फूले और B.R. अंबेडकर। शाहूजी महाराज पहले व्यक्ति थे इंडिया में जिन्होंने रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट करी थी अपने कोल्हापुर राज्य में। ज्योतिराव फूले जो शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे, वो अमेरिका में स्लेव्स के स्ट्रगल से बहुत आजादी के बाद डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जॉइंट इलेक्ट्रोलेट्स का सिस्टम कंटिन्यू रहा। इसी रीजन से 543 जो हमारी लोकसभा की सीट्स होती हैं, उनमें से 84 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 को रिजर्व किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को ऐड किया गया, जो कि एम्पावर करते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन के हिसाब से 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और 7.5% सीट्स आज के दिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। 1993 से पहले रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, लेकिन 1993 के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशंस एक्सटेंड कर दिए गए आफ्टर द मंडल कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 27% रिजर्वेशन दी गई ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब्स में और बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जिसकी वजह से टोटल 49.5% सीट्स रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ गई सेंट्रल पोजीशंस पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। लेकिन अगर स्टेट वाइज हम बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई कि वो खुद से एक्सटेंड कर सकती हैं रिजर्वेशंस बाकी कम्युनिटीज के लिए। इसी रीजन से आज के दिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठास के लिए रिजर्वेशन की बात करती है, राजस्थान गवर्नमेंट गुज्जर्स के लिए रिजर्वेशन की बात करती है, हरियाणा गवर्नमेंट जाट्स के लिए रिजर्वेशन की बात करती है। 2019 में ये रिजर्वेशंस एक स्टेप और आगे चली गई जब मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशंस दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते थे इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिससे कि टोटल शेयर जो रिजर्वेशंस का है वो ऑलमोस्ट 60% तक पहुंच गई थी। दोस्तों, हिस्ट्री कास्ट सिस्टम की और कास्ट रिजर्वेशंस की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इंपैक्ट क्या हुआ इस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का, क्या इससे एक्चुअली में सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाई लोअर कास्ट लोगों की, क्या ये आइडियल तरीका है उनको अपलिफ्ट करने का, या कोई और भी सजेशंस हो सकती हैं सिस्टम को इंप्रूव करने की, और क्या फ्यूचर में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस होनी चाहिए या इन्हें हटा देना चाहिए, रिसर्च क्या कहती है इस पर, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट टू में। अभी तक के लिए वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सोच चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, सिमिलर टॉपिक्स पे एनालिटिकल वीडियोस बनाता है मोक, तो इस बटन पे क्लिक करके आप इनके चैनल को जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या YouTube पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एनालिटिकल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।